The topic one uh, now we are going to discuss is planning individual customer services. तो so, हमारे पास when we are going to plan individual customer services, तो so, दो तरह की services हमारे पास मौजूद हैं. Normally typical customer services and there are other customer services also. तो so, सबसे पहले हम discuss करते हैं ताकि आप identify कर सकें as a retailer, choose कर सकें as a retailer टाइप ऑफ कस्टमर सर्विसेज के मुझे कौन कौन सी कस्टमर सर्विसेज ऐसी हैं जो पिक करनी है और इंडिविजुअल कस्टमर सर्विसेज़ के तौर पर किसी कस्टमर को ऑफर करनी है तो सबसे पहले हमारे पास है टिपिकल कस्टमर सर्विसज आप टिपिकल कस्टमर सर्विसेज़ के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं आपके सामने मौजूद हैं फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट इज वन ऑफ द टिपिकल कस्टमर सर्विसेज क्रेडिट की फैसिलिटी कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि नॉर्मली मैं किसी रिटेल स्टोर में जाऊंगा और आई एम मैं रिनाउंड कस्टमर तो मुझे क्रेडिट की फैसिलिटी मौजूद होगी अब ये रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इस तरह की हाई कॉस्ट एक्टिविटी को करना चाहता है या नहीं करना चाहता इसी तरीके से डिलीवरी कस्टमर सर्विसेज की बात हो रही है डिलीवरी सर्विसेज की बात हो रही है या ऑल्ट्रेशन की बात हो रही है तो अगेन वन ऑफ द सर्विसेज आप किसी से यूनिवर्स के ऊपर गए हैं या आप किसी और इस तरीके से जे डॉट के ऊपर चले गए हैं या इसी भी किसी भी तरीके से आप किसी स्टोर के ऊपर गए हैं और आपने लेट से कोई ट्राउज़र बाय किया है कोई शर्ट बाय की है या कोई कुर्ता बाय किया है और अब आप चाह रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ऑल्ट्रेशन सर्विसिज़ भी मुझे यहीं से मिल जाएँ चाहे वो आपने लेंथ करानी है या उसकी फ़िटिंग ठीक करानी है तो दिस इज़ वन ऑफ द सर्विसज़ ऑल्ट्रेशन सर्विसज़ जो कि टिपिकल कस्टमर सर्विस जो है समझी जाती है इसी तरीके से इंस्टॉलेशन है Uh, जिस तरीके से अगर आप ए सी बाई करते हैं तो एक्चुअली आपको ऑफ कोर्स उसको इंस्टॉल करवाना है आप टेलीविजन बाय करते हैं एल सी डी एल ई डी बाई करते हैं तो आपको उसको इंस्टॉल कराना है सो इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टिपिकल कस्टमर सर्विसेज फिर जब आप किसी जगह से किसी रिटेल स्टोर से कोई गिफ्ट बाय करते हैं कोई गिफ्ट आइटम बाय करते हैं तो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको उसकी पैकेजिंग मिल जाएगी पैकेजिंग प्रॉपर पैकिंग के अंदर मिलेगा और उसको गिफ्ट रैपिंग फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद होगी तो अगेन दिस इज कंसिडर टू बी अ टिपिकल कस्टमर सर्विस क्योंकि अगर आप गिफ्ट आइटम सेल कर रहे हैं तो फॉर श्योर यू हैव द गिफ्ट रैपिंग पेपर ऑल्सो नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लेंट या रिटर्न हैंडलिंग जिस तरीके से अगर हम किसी रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं एक लट से एग्स बाय करके लेकर गया हूँ किसी रिटेल स्टोर से और घर जाके मैंने देखा कि वो उसमें से दो एग्स ख़राब निकल आए हैं नाउ आई एम बैक सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई आगे से ये नहीं बता रहा होगा कि सर एक्चुअली ये एग्स आपने हमसे बाई नहीं किए हैं या किसी और से बाई किए हैं या ये एग्ज़ एक्चुअली आपने किसी आपने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर रख दिए इसलिए खराब हो गए आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक प्रॉपर कंप्लेंट हैंडलिंग सर्विसेज uh, होंगी प्रॉपर रिटर्न फेसिलिटी होगी ताकि कस्टमर को एंटरटेन किया जा सकेगा इसी तरीके से गिफ्ट सर्टिफिकेट्स का कॉन्सेप्ट है एज ए कस्टमर सर्विस नॉर्मली पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर इस तरह लॉयल्टी कार्ड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल बेसिक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो या बोनस कार्ड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि कस्टमर को दिया जाता है और कस्टमर उसको उन पॉइंट्स को उस कार्ड से अवेल कर सकता है तो ये वन ऑफ द टिपिकल कस्टमर सर्विस कहलाती है ट्रेड इन्स हैं लेट्स इफ यू बाई दिस यू कैन गेट दिस और इफ़ यू बाई दिस यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस सो ट्रेड इन ऑल्सो कंसिडर टू बी वन ऑफ द टिपिकल कस्टमर सर्विसज फिर ट्रायल परचेज हैं ट्रायल परचेजेज इज अगेन जिस तरीके से आप स्टोर के अंदर गए हैं और आपको फ्री टेस्टिंग कराई जा रही है ताकि दैट कैन यू कैन रियली बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल जस्ट फ्यू डेज बैक आई वॉज इन टू अ रिटेल स्टोर और वहाँ पर वो ट्राइल परचेज आपको करवा रहे थे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऑब्जेक्टिव ये था कि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लें ट्रायल करने के बाद टेस्टिंग करने के बाद फूड के केस के अंदर टेस्टिंग है नॉन फूड के केस के अंदर ट्रायल है जब आप कर लेते हैं तो ऑफकोर्स आप उसको प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं ट्रायल की एग्जांपल में लेट्स से आप किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस जोनस बने नजर आते हैं वो एक्सपीरियंस जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कस्टमर को उस एक्सपीरियंस से गुजारे कि अगर लेट्स से ही इज बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो ही कैन इन्जॉय दैट पर्टिकुलर

कि आप जाते हैं वॉलमार्ट के अंदर या और इस तरह के बड़े स्टोर्स के अंदर जहाँ पे देर आर स्पेशल सेल्स अवेलेबल एवरी डे और आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को तो so कस्टमर की एक्चुअली एक्सपेक्टेशन हैं इस तरह की सर्विसेज भी फिर हमारे पास है एक्सटेंडेड स्टोर आर्स इस तरीके से ईद या इवेंट्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर कि जहाँ पर कस्टमर दिन रात शॉपिंग कर रहा होता है रात गेर तक शॉपिंग कर रहा होता है तो एक्सटेंडेड शॉपिंग आवर इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी अ काइंड ऑफ टिपिकल कस्टमर सर्विसेज पाकिस्तान की एग्जाम्पल के अंदर तो ओनली शायद ये बात इवेंट बेस्ड या वीकेंड्स के ऊपर है लेकिन अगर मैं इंटरनेशनली बात करता हूँ मार्केट्स लाइक रशिया तो जहाँ पर रात के अंदर भी इवन द लेट शिफ्ट में भी आपकी एक बहुत हेवी अमाउंट ऑफ़ परचेज बहुत से एक हैवी अमाउंट ऑफ कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो स्टोर विजिट करते हैं और बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को सो so, इट इज़ कंसिडर टू बी टिपिकल कस्टमर सर्विसेज वहाँ की मार्केट के लिए बिकॉज़ ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कस्टमर का कि स्टोर जो है वो एक्सटेंडेड आवर्स में ओपन हो इसी तरीके से मेल एंड फ़ोन ऑर्डर्स अलफते में आग लग गई वर्ड दे डेट बड़ा आसान सा काम किया उन्होंने देव स्टार्टिड कॉलिंग द कस्टमर्स कस्टमर डेटा बेस करते सर इफ़ यू वॉन्ट टू प्लेस ऑर्डर प्लेस और आवर फोन हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है हम आपको फ़ोन के ऊपर उस ऑर्डर को कंपाइल करेंगे और उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट को आपको डिलीवर कर देंगे तो दोनों तरह की सर्विसेज डिलीवरी एंड लेट्स से फोन ऑर्डर्स के ऊपर यू कैन हैव टिपिकल कस्टमर सर्विसेज अब हम आते हैं क्विकली मिसलिनियस कस्टमर सर्विसेज के ऊपर बहुत सारी मिसलिनियस कस्टमर सर्विसेज हैं उनमें से कुछ मैंने आपके सामने लिखी हुई है क्विकली आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मान ताकि आपको एक एक बिगर सिनेरियो में क्लियर हो जाए और कौन कौन सी सर्विसेज हैं नॉर्मली अगर आप किसी से स्टोर के अंदर गए हैं रिटेल स्टोर में हैं और आप टाइल्स बाय करना चाहते हैं आप कर्टन्स बाय करना चाहते हैं आप कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि विच कैन से आपके रूम का आपके ऑफिस का आपके घर का को डेकोरेट करने के हवाले से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर इंटीरियर एक डिज़ाइनर होगा जो कि से आपको प्रॉपर स्कीम बना के प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के ही कैन रियली गाइड यू ब्रीफ यू सो इंटीरियर डिज़ाइनर अगेन पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर लिमिटेड है लेकिन हमारे अगर हम इसको एज एन एग्जाम्पल देखते हैं तो ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि वो तमाम लोग जो कि लाइफ स्टाइल वो तमाम लोग जो कि होम सोल्यूशन दे रहे हैं दे डेफिनेटली हैव दिस काइंड ऑफ कस्टमर सर्विसेज जो कि कस्टमर को ऑफर करते हैं तो पाकिस्तान के केस के अंदर इट कुड बी अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विस लेकिन इंटरनेशनली इट इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज इसी तरीके से पार्किंग की बात है टिकट्स आउटलेट की बात है वाटर फाउंटेन्स वन ऑफ़ द एग्जाम्पल पे फोन या लट से स्टोर के अंदर यू हैव द फोन फैसिलिटी यू हैव द बेबी स्ट्रॉलर्स नॉर्मली पाकिस्तान के केस के अंदर आपको ज़्यादातर व्हील चेयर का कॉन्सेप्ट नजर आता है कि स्टोर्स के अंदर व्हील चेयर है बेबी स्ट्रॉलर्स का कॉन्सेप्ट अभी नजर नहीं आता लेकिन इंटरनेशनली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कस्टमर सर्विसज कि आप स्टोर में बेबी को कैरी करने के लिए यू हैव द बेबी बैग ऑल्सो एंड देव द बेबी स्ट्रॉलरस ऑल्सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेयरूम तो फॉर एग्जाम्पल प्रे रूम की हम बात कर लेते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मिसलिनियस कस्टमर सर्विसेज जो कि येस पाकिस्तान के yes, कॉन्टेक्ट के अंदर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट के अंदर अगर इंटरनेशनल सैलरी में बात करेंगे तो लोग पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग अप्रे रूम एंड अ काइंड ऑफ रिटेल स्टोर तो ये प्योरली रीजनल काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन है इसी तरीके से रेस्ट रूम या टॉयलेट्स की बात हो रही है ये नॉर्मली इन जनरल काइंड ऑफ मिसलिनियस कस्टमर सर्विसज है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी के किसी स्टोर में नीट एंड क्लीन हाइजीनिक वॉशरूम मौजूद होंगे रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ दी बिग एग्जांपल्स वन ऑफ़ दी लेट्स से इमर्जिंग पॉइंट्स के जहाँ पर टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो कस्टमर जब शॉपिंग के लिए जाता है तो एक्चुअली वो सिर्फ बाइंग नहीं कर रहा होता वो ही इज़ लुकिंग फॉर अ कंप्लीट एक्सपीरियंस और नॉर्मली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में एक्सपीरियंस एंड्स जहाँ पर आप विद अ फूड जहाँ पर एक्चुअली आपको फूड का सोलूशन भी चाहिए so having a restaurant into the retail store outside inside whatsoever it is दोनों सूरतों में it is considered to be a good customer service and excellent customer services आप पाकिस्तान के कांटेस्ट के अंदर specially babysitting facility या old लोगों के लिए sitting area या baby play area kind of things इस तरह की तमाम चीजें भी बहुत important customer services के तौर पे consider की जाती है जिस तरीके से अगर आप किसी भी इवन रेस्टोरेंट के अंदर भी जाते हैं तो वहां पर उन्होंने बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया बनाया है वो किड्स प्ले एरिया एक्चुअली काइंड ऑफ कस्टमर सर्विसेज है यू आर नॉट पेइंग फॉर इट लेकिन कस्टमर एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान में स्पेशली कि वहां पर मौजूद होगा प्रॉपर प्ले एरिया और बच्चे प्ले कर सकेंगे एंड दे कैन इंजॉय फूड विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स फिटिंग रूम्स जहां पर स्पेशली ये टेक्सटाइल और क्लोदिंग से रिलेटेड है जहां पर यू कैन गो एंड चेक दी लेट्स ए क्लोथ्स आप शर्ट ट्राई करना चाह रहे हैं आप ट्राउजर ट्राई करना चाह रहे हैं और वट्स एवर इट इज़ आप जाते हैं और ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई रूम्स या फिटिंग रूम्स मौजूद होने चाहिए चूंकि विच कैन रियली हेल्प और कस्टमर उसको इंकरेज करता है एज ए कस्टमर सर्विस ब्यूटी सलूस इन साइड स्टोरस के अंदर स्पा स्टोर के अंदर सलून इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी कस्टमर सर्विस जो कि नॉर्मली अभी हमें बहुत लेस नज़र आता है पाकिस्तान की रिटेल uh, इन्वायरमेंट में लेकिन अगर इंटरनेशनल रिटेल इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं सो यस देर आर ब्यूटी सलून इन साइड द स्टोर देर आर फार्मेसीज इन साइड द स्टोर सो अगेन देर आर देर आर लेट्स ए बेकरीज इन साइड द स्टोर नॉट ओनली बेकरी बट द दंदूर एक्चुअली इन साइड द स्टोर इसी तरीके से शॉपिंग बैग की मैंने एग्जाम्पल दी पहले भी डिस्कस किया हमने इसको तो शॉपिंग बैग इज ऑल्सो इज कंसिडर टू बी अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विस इस एनवायरमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन टू कस्टमर बेशक वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विसेज है इन जनरल इंफॉर्मेशन है या किसी भी तरीके से सो इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो वन ऑफ़ द टॉप कस्टमर सर्विसेज तो ये हमारे पास लेट्स से टेन ट्वेंटी थर्टी डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज की लिस्ट है जब आप एज ए रिटेलर इवेल्यूएट करते हैं कि आई हैव टू प्लान इंडिविजुअल कस्टमर सर्विसेज सो देन यू हैव टू सेलेक्ट कंसिडरिंग कौन सी सर कस्टमर सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज कौन सी कस्टमर सर्विसेज आर ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज और वट इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ दिस कस्टमर सर्विसेज जब आप ये प्लान कर सक, कर लेते हैं एंड देन यू हैव द कस्टमर पोटेंशियल विद यू सो यू कैन रियली प्लान के इस पर्टिकुलर कस्टमर को इस पर्टिकुलर शॉपर को वट आई हैव टू ऑफर एज एन इंडिविजुअल कस्टमर सर्विसेज